हेलो फ्रेंड्स माई नम इज नरगिस गुप्ता इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दू कोक्यूब एग्जाम 2020 ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन अ कम्प्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक बेसिकली इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट अभी फिफ्थ अगस्त को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था कोक्यूब का उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ऑनवर्ड्स नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग श्यूडो कोड हमें एक श्यूडो कोड गिवन है और इस श्यूडो कोड का आउटपुट हमको बताना है लिखा है स्टार्ट डिक्लेयर इंटीजर आई एन इक्वल्स टू फाइव टेम्प इक्वल्स टू जीरो सब डिक्लेरेशन है फोर आई इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन ये लूप है और उस लूप के अंदर टेम्प इक्वल्स टू टेम प्लस आई ये स्टेटमेंट हमारा कॉल हो रहा है लूप एंड हो रहा है देन प्रिंट करना है हमें टेम्प की वैल्यू याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इस टू का क्या मतलब है टू का मतलब है कि हम लेस देन इक्वल्स टू तक उस वैल्यू को लेकर जाएंगे मतलब जो जहां तक लिखा है टू फाइव तो टू फाइव तक ही जाएंगे टू सिक्स टू टू सिक्स तक जाएंगे टू एन माइनस वन टू टू एन माइनस वन तक जाएंगे सो so, आई की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है जीरो जीरो से लेकर हम कहां तक जा रहे हैं एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन फोर तो जीरो टू फोर तक ये लूप आपका चलेगा टेम्प इक्वल्स टू टेम प्लस आई सो पहला टेम्प इक्वल टू टेम्पल की वैल्यू कितनी है 0, 0, और आई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 plus 0, कितना हो गया temp में वैल्यू हो गई हमारी जीरो नाउ आई की वैल्यू जैसी इंक्रीमेंट हुई आई बिकम्स वन i बिकम्स वन 1, तो वन टू फोर तक चलेंगे अपन जैसे i की वैल्यू वन हुई तो टेम्प के अंदर क्या हो जाएगा टेम्प की वैल्यू कितनी है जीरो प्लस आई वन तो कितना हो गया हमारे पास में वन उसके बाद में जैसे ही आई की वैल्यू टू होगी तो कितना हो जाएगा टेंथ में टेन्थ में हो जाएगा टेम की वैल्यू कितनी वन वन प्लस टू इक्वल्स टू तो कितना हो गया यहाँ पे थ्री तो ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू टेम की वैल्यू थ्री ऐसे ही आपकी आई की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट होगी आई बिकम्स थ्री तो कितना हो जाएगा थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सिक्स उसके बाद में जैसे ही आई बिकम्स फोर आई की वैल्यू फोर हुई तो सिक्स प्लस फोर कितना हो गया आपका टेन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन ए में क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए में 10 की हो 10. So, some, some, में की वैल्यू तो बेसिकली सम सम कैसे सीरीज जीरो प्लस वन प्लस थ्री टू प्लस थ्री ऐसे चलता जा रहा है और तो सम होता जा रहा है तो टोटल तो, तो, आपका आंसर आ गया टेन बस इसमें एक ही चीज दिमाग में रखना है टू टू मतलब कि जहां तक हम जा रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू तक की कंडीशन हम लेकर चलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग शूडो कोड देखिए इस क्वेश्चन को रिलेटेड में कुछ चीजें आपको पहले से ही क्लियर कर दूं ये क्वेश्चन पूरा एजम्शन पे चलेगा क्योंकि ये शूडो कोड है हमें नहीं पता ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है हम सी को एज्यूम करें सी प्लस प्लस को जावा को पाइथन को किस को एज्यूम करें वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हर चीज अलग अलग हो सकती है बट हम जनरली सी सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे बट उसके बाद भी इस इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है एक तरह से देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत है बट क्योंकि हमारे पास यहां पे ऑप्शंस में वैल्यूज गिवन है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें एरर हो या नन ऑफ दीज हो नन ऑफ दीज या एरर होती तो हम सबसे पहले उसको टिक करते क्योंकि यहां पर ऑप्शंस हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक करना पड़ेगा ऑप्शन टिक वही करें हम जो उस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ऑप्शन निकले तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयर करा लिस्ट वन लिस्ट लिस्ट को और लिस्ट वन को टेम को और रिजल्ट को लिस्ट वन, लिस्ट में ये वैल्यूज हमारे पास में लिस्ट वन में ये ये वैल्यूज हमारे पास में रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो है रिजल्ट को जीरो से निचलाइज किया टेम वन टू सिक्स मतलब टेम की वैल्यू कितनी है हम लूप चला रहे हैं टेम का वन से लेकर कहां तक सिक्स तक तो वन से लेकर सिक्स तक पूरा लूप चलेगा अंदर कंडीशन उसने लगाई है इफ टेम्प मॉडुलस टू इज इक्वल्स टू देन ये वाली स्टेटमेंट कॉल हो अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट कॉल हो टेम्प को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं उसके बाद में इसने यहां ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है मोड के लिए कि मोड का क्या मतलब होता है तो हम मॉडुलस ऑपरेटर है सिंपली हम हम उस ऑपरेटर को बहुत अच्छे से समझते हैं कि देखिए आप टेम्प इक्वल्स टू वन तो टेम्प इक्वल टू वन क्या वन मॉड टू इक्वल्स टू जीरो है यदि वन मॉड्यूलस टू करेंगे आप तो क्या रिजल्ट आएगा आपको वन तो क्या इक्वल है जीरो नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में आ गए एल्स वाले पार्ट में आप क्या कर रहे हो एल्स वाले पार्ट में कर रहे हो आप रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट प्लस एल्स वाले पार्ट में सॉरी एल्स वाले पार्ट में आप कर क्या कर रहे हो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस नॉट प्लस ये माइनस माइनस रहेगा हमारा रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स माइनस लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या है वन और वैल्यू क्या है उसमें टेम टेम की जो भी वैल्यू होगी वो अब यहां पे देखिए रिजल्ट रिजल्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में जीरो माइनस टी इंडेक्स टेम्प की वैल्यू कितनी है यहां पे हमारे पास में वन क्योंकि टेम्प स्टार्ट हुआ है वन से ठीक है तो टी वन तो टी वन इंडेक्स पे आपके पास में क्या है यहां पर अब यहां पे देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है यदि हम इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर किसकी लिस्ट की और लिस्ट वन की तो हमें आंसर मिल जा रहा है ठीक है बट यदि इंडेक्सिंग मैं जीरो से स्टार्ट ना करूं ठीक है जीरो से स्टार्ट ना करूं वन से स्टार्ट करूं तो उस केस में रिजल्ट नहीं मिल रहा है जर्नली स्यूडो कोड में क्या होता है यदि आप देखें तो ये यह फॉल्यू वन से स्टार्ट हुआ है तो हम बाकी को भी एज्यूम करके चलते कि बाकी को भी हम वन से स्टार्ट करें बट यहां पे सिचुएशन क्या है कि यदि हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आंसर आ ही नहीं रहा है। दूसरी चीज जब आप इस स्टेम की वैल्यू को वन टू सिक्स लेकर जाएंगे ठीक है सिक्स तक जाएंगे तो क्या होगा फाइव तक जाएंगे तो क्या होगा सिक्स तक जब आप लेकर चले गए और यहां पर आपने स्टार्ट किया इंडेक्स किससे? हाँ तो तो क्योंकि सिक्स टोटल छह एलिमेंट है तो जीरो टू फाइव में खत्म हो जाएगी सिक्स तक जाएगा तो वो बोल देगा ओवरफ्लो क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा उस केस में, तो इस केस में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि हम इंडेक्सिंग जीरो से लें टेम की वैल्यू वन टू फाइव लेकर चलें तभी जाके हमारी कोई सिचुएशन यहां पे बनेगी मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करके बता रहा हूं बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है ठीक है नाउ रिजल्ट में क्या है जीरो जीरो माइनस टी वन टी टी वन लिस्ट वन और टी तो लिस्ट वन टी में क्या पोजिशन पर आपको मिलेगा ट्वेल्व सो so, यहां पर आ गया आपके पास में 12. तो ये कितना हो गया आपके पास में ये हो गया माइनस ट्वेल्व ठीक है फिर हम गए तो टेम को आपने इंक्रीमेंट किया अब देखो एक और क्वेश्चन यहां पे एक और डाउट क्या आएगा टेम को यहां भी इंक्रीमेंट कर रहे हो और लूप हमारा जब चल रहा है तो लूप हमारा वन टू सिक्स चल रहा है मतलब लूप का भी इंक्रीमेंट होगा तो यदि सी सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये भी गलत है तो ये गलत है तो इस केस में टेम्प की वैल्यू थ्री हो जाना चाहिए बट यहाँ पे टू ही लेकर हमें चलना पड़ेगा तो बहुत सारी मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में फिर भी हम क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चारों में से एक ऑप्शन हमें टिक करना है वहाँ पर तो उनके डेट बेस में सेव है कि भाई उन चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो हमें करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा मतलब एजम्शंस लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई टू जैसे ही टेम की वैल्यू टू हो गई तो क्या टेम टू मॉड टू इज इक्वल टू जीरो है? टू का मॉडुलस टू से करेंगे तो जीरो है तो यहां पे क्या क्या इक्वेशन आ जाएगी रिजल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रिजल्ट प्लस रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस लिस्ट वन लिस्ट सॉरी लिस्ट ऊपर वाला और टेम टेम की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर टू तो लिस्ट टू रिजल्ट कितना है मेरा यदि आर रिजल्ट देखें अपन तो क्या आ गया माइनस ट्वेल्व ठीक है प्लस लिस्ट 2 એટલે સેકન્ડ પોઝિશન પર 0 1 2 તો કેટના હે 30 તો तो યે 30 આ ગયા યદી इसको सॉल्व करा आपने तो ये कितना आ गया प्लस में 18 ये 18 આ ગયા ہمارے پاس મે ઠીક ઉસકે બાદ મે ફિર સે આપણે શું કરે ટેમ કો બઢાય ટેમ બીકમસ 3 જસે યે 3 ہوا તો 3 મોડ 2 કરા તો 1 આયા 1 આયા તો else વાલે પાર્ટ મે આ ગયા else વાલે પાર્ટ મે આ ગયા તો રિઝલ્ટ મે કેટના હે આપકે પાસ 18 18 ઓર માઈનસ 18 માઈનસ લિસ્ટ 1 ટેમ तो टेम की वैल्यू कितनी है थ्री। तो लिस्ट के थर्ड पोजीशन पे कितना है सोलह सिक्सटीन तो ये तो कितना बचा पे टू फिर से ऊपर गए ऊपर गए तो टेम की वैल्यू हो गई फोर। फोर है तो मॉडुलस रिमाइंडर जीरो जीरो है तो ये वाला चलेगा तो ये वाला चलेगा तो रिजल्ट रिजल्ट कितना है मेरे पास में टू प्लस लिस्ट ऑफ फोर लिस्ट ऑफ फोर्थ पोजिशन जीरो वन टू थ्री फोर तो कितना है आपके पास में फिफ्टी ये कितना हो गया टोटल फिफ्टी टू फिर से हमने इंक्रीमेंट किया टेम को तो टेम बिकम फाइव टेम जैसे फाइव हुआ तो ऑड मिला ऑड मिला तो एल्स वाले पार्ट में आ गए तो माइनस लिस्ट ऑफ फिफ्थ पोजिशन पोजीशन, पोजीशन मतलब ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी तो ये कितना आ गया आपके पास में थर्टी जैसे ही अब ऊपर गया तो सिक्स ये चलना चाहिए सिक्स बार टाइम पर बट क्या हुआ यहां पे आपकी इंडेक्स ही खत्म हो गई सिक्स जीरो टू फाइव तक हम चला चला गए तो यहीं पे आपको रुकना पड़ेगा मतलब वन टू फाइव लेकर इस क्वेश्चन को चलना पड़ेगा तभी जाके ये जो ऑप्शन है आपका एक ऑप्शन थर्टी टू वो मैच करेगा अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन कोई आपका मैच नहीं करेगा ये क्वेश्चन टोटली गलत है नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ बाइनरी ट्री हैज एन नंबर्स ऑफ नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल हेल्प टू फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ द्री लॉग बेस में टू है ये एन है ये एन है फ्लोर लॉग टू एन है और सील फंक्शन लॉग टू एन है बोल रहा है बाइनरी ट्री है एन नंबर ऑफ नोट हैं कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा जो मिनिमम हाइट को डिनोट करे देखिए बाइनरी ट्री है तो ये बाइनरी ट्री हमने बना ली दिस इज अ बाइनरी ट्री ये भी हो सकती है मेरी बाइनरी ट्री ये भी हो सकती है ठीक मेरी बाइनरी ट्री कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो उसने कोई कंडीशन नहीं दी मेरी बाइनरी ट्री ये भी बन सकती है अब वो बोल रहा है कि मिनिमम हाइट देखिए मैक्सिमम हाइट बाइनरी ट्री के केस के 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 में या बाइनरी सर्च ट्री के केस के में कब बनेगी जब ट्री आपकी लेफ्ट स्क्यूड मैट्रिक्स हो या फिर राइट right स्क्यूड हो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी हो गई आपकी थ्री ठीक है तो उस केस में क्या बोलेंगे हम कि भाई जितने भी नंबर ऑफ नोट्स हैं उससे एक कम मतलब एन माइनस वन जो होगी वो मैक्सिमम हो गई ये के केस केस के लिए हम बात करें बट जब आप मिनिमम के केस के लिए बात करेंगे तो लेट सपोज इसी का मिनिमम निकालें नोट्स कितने हैं हमारे पास में सेवन सेवन यदि है तो मिनिमम हाइट इसकी कितनी है यदि हाइट देखें तो कितनी है टू हाइट कैसे डेफिनेशन क्या होती है टॉप टू लीफ नोट मैक्सिमम डेप्थ ऑफ टॉप टू लीफ तो मैक्सिमम की टू है किसी भी आप पर्टिकुलर पाथ में हिस्ट्री के लिए देख लें तो तो भाई एन तो नहीं हो सकती मिनिमम ठीक उसके बाद में लॉग एन की बात करें यदि बेस में है। तो seven, seven और बेस में है तो लॉग सेवन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में अप्रोक्सिमेटली टू पॉइंट समथिंग टू पॉइंट समथिंग भी हमारे पास में यहां यदि आप देखो तो इसकी हाइट कितनी है टू है ना कि टू पॉइंट समथिंग तो लॉग भी नहीं आएगा मतलब इनमें से कुछ आएगा यदि मैं सील ले लूं ऊपर वाली वैल्यू तो थ्री हो जाएगा तो थ्री हाइट है नहीं तो सील भी नहीं आएगा तो फ्लोर आएगा मतलब इस पर्टिकुलर ट्री के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग बेस में टू और एन फ्लोर बट यदि आप एक ये तो हो गया चलो इस क्वेश्चन को मैंने सेटिस्फाई कर दिया देखा दिया आप देखो, इस के लिए मैं चेक करूं क्योंकि ये भी है आप देखो तो, तो इस बाइनेट्री की मिनिमम हाइट कितनी है तो इस बायोट्री की मिनिमम हाइट हम कैसे निकालें समझें कितने नोट्स हैं दो चार नोट्स हैं तो लगभग देखा जाए कि हम क्या बोल रहे थे लेफ्ट स्क्यू है राइट स्क्यू है यदि मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो एन माइनस वन तो सिक्स माइनस वन फाइव तो मैक्सिमम हाइट फाइव तो नहीं है तो मिनिमम हाइट क्या हो सकती है इसकी यदि हाइट देखें तो हाइट बेसिकली थ्री है बट मिनिमम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट हम कैसे जस्टिफाई करेंगे यदि इस फॉर्मूले को अभी इसमें लगाऊँ तो ये भी टू पॉइंट समथिंग तो टू आएगा बट यदि हाइट देखी जाए तो टू तो नहीं है इसकी हाइट थ्री है तो ना इससे निकल पा रहा है ना इससे निकल पा रहा है तो बाइनरी ट्री के केस में ये भी एक ये कह सकता हूं मैं एम्बिग्यूटी है कि कोई एक पर्टिकुलर हर एक केस के लिए एक जनरलाइज फार्मूला नहीं है यदि आप देखो तो यदि मैं इसी में ये बोल देता कि जो बाइनरी ट्री है मेरी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी कंप्लीट ट्री है तो उस केस में मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता उस केस में मैं बोलता लॉक टू एन माइनस वन और प्लस वन ऐसे करके मेरा कुछ फार्मूला और सील फंक्शन इसका बनता तो ऐसे करके फॉर्मूला बनता बट क्योंकि हम इस क्वेश्चन में हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे फोकस्ड है हमारा तो हम चारों ऑप्शंस में से दिस वन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन कोक्यूब हमेशा क्वेश्चन बनाता है ठीक है बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत बहुत टाइम क्वेश्चंस गलत भी वो बनाता है बट क्योंकि ये तो काफी सारी बुक्स में भी है तो इस क्वेश्चन में तो कुछ गलती नहीं थी फ्लोर में आपका आंसर आएगा बट हम यदि और बहुत सारे केसेस देखें तो ऑब्वियसली उस ऑप्शन को चूज करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी नाउ वट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टूडियो कोड यहाँ पे फिर से मैंने एक और स्टूडियो कोड लिया है और इस स्टूडियो कोड में ये सिंपल क्वेश्चन है बट ये भी ट्रर्की ये दी आप देखें क्योंकि इस बार ऑनलाइन को, को, टेस्ट हुआ था और ऑनलाइन तो हमेशा होता है बट क्या है उनके रिप्रेजेंटेटिव सेंटर्स में आ जाते हैं जहां पे भी टेस्ट होता है बट क्या क्योंकि अभी कोरोना चल रहा था तो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में नहीं थे और लॉकडाउन भी था उस टाइम पर तो बच्चों ने घर से दिया तो घर से बच्चा चीटिंग ना कर पाए इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने क्या करे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी ट्रिकी क्वेश्चन थे जैसे ये क्वेश्चन इंट मीन ठीक है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी में एस टी डी और ये बेसिकली सी प्लस प्लस का कोड है int आई आई को इनिशलाइज किया आई इक्वल टू टेन आई लेस देन टेन और आई प्लस प्लस अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है यदि इस क्वेश्चन में आदि आप ट्रिक देखोगे तो वो ट्रिक है आपका ये सेमी कॉलन जिसने लूप को टर्मिनेट करके रख दिया है यदि लूप टर्मिनेट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हम आई की वैल्यू को प्रिंट करते जाते भाई आई टेन लेस देन टेन है कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हम लूप में ही नहीं आते बाहर चले जाते बट यहाँ पे देखो आप यहाँ क्या कंडीशन बन रही है ये टर्मिनेट करा है लूप को और लूप को टर्मिनेट करने का मतलब ये होता है कि ये लूप एग्जीक्यूट तो होगा नो डाउट बट उसके लिए एक डमी बॉडी बनेगी जिसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा यदि कोई लूप टर्मिनेट हो रहा है जैसे ये लूप तो ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा ठीक है बट उस एग्जीक्यूशन कहां होगा एक डमी बॉडी बनाएगा आपका कंपाइलर उसके अंदर एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा बट यदि इस केस में बात करें तो आई इक्वल्स टू टेन क्योंकि ये लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू टेन रहेगी मतलब यदि आप देखो तो ये लूप के बाद में ये जो बॉडी है इस बॉडी का और इस लूप का कोई भी रिलेशन नहीं है रिलेशन ना होने का रीजन सिर्फ यही है कि ये वाला लूप आपका टर्मिनेट हो चुका है टर्मिनेट हो गया तो उसने एक डमी बॉडी बनाई दट उसका काम खत्म उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये लूप आपका यहीं पे खत्म हो चुका है तो इसके बाद में क्या स्टेटमेंट है सी आउट आई की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आई की वैल्यू तो टेन से इनिशलाइज हो ही चुकी है तो इस केस में क्या आएगा टेन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा आई की वैल्यू हो जाएगी टेन सी आउट में फिर से समझिए इसको यदि लूप टर्मिनेट है तो लूप के बाद में कोई भी स्टेटमेंट लिखा है उसका लूप से कोई लेना देना देन नहीं है क्योंकि वो लूप वहीं तक सीमित रहेगा ठीक है ये कर ब्रैकेट्स का इस लूप से कोई लेना देना नहीं बट ये लूप आपका चलेगा जितनी यदि फॉर एग्जाम्पल आई लेस देन हंड्रेड होता तो ये लूप आपका पूरा उतने टाइम तक चलता बट डमी बॉडी के अंदर चलता जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता ठीक है बट क्योंकि ये 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 ने वैल्यू 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 को कर दिया है तो ये आई की वैल्यू टेन तो हुई है तो 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 की हुई आपकी टेन प्रिंट यहां पे होगी सो ऑप्शन टेन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इस वीडियो में हमने पांच ही क्वेश्चन लिए क्योंकि हमने थोड़े लेंदी क्वेश्चन लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट आई स्टीम यूजिंग नेम स्पेस ठीक है फन एक नाम का फंक्शन है जिसके अंदर इंटेक्स और इंट वाई दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ का हमने यहाँ पे पास किया है मेन के अंदर आते हैं सबसे पहले मेन से यहाँ पे कॉलिंग होती है इंट एक्स इक्व टू ट्वेल्व एक्स की वैल्यू मेन में ट्वेल्व है ठीक है और यदि हम बाई की बात करें तो वाई इक्वल्स टू टेन ये वाई की वैल्यू है टेन फन को कॉल किया फ़न में 12 और 10 चला गया फ़न को कॉल किया तो फन में हमारे 10 और 12 यहाँ पे आ गए ठीक है जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 12, 10 है और y की वैल्यू 10 है ठीक है बट यदि आपने देखा हो तो फंक्शंस में एक कॉल वाई वैल्यू होता है कॉल वाई रेफरेंस होता है ठीक है तो और यदि कॉल वाई एड्रेस होता है यहां पे यदि यह आप देखो तो कॉल बाय वैल्यू किया है क्योंकि हमने जस्ट वैल्यूज को पास ऑन किया ना कि एड्रेस को कोई रेफरेंस को पास नहीं किया वैल्यूज को पास किया तो यहां से जो ये एक्स और वाई की वैल्यू है वो इस फंक्शन के लिए लोकल है जब यहां से रिटर्न होकर आएगा ना तो जो वैल्यू एक्स और वाई की मेन के अंदर डिक्लेयर है वही वैल्यू रहेगी यहां से कुछ भी रिफंड नहीं होगा यदि कॉल वाई रेफ एड्रेस होता तो उस केस में हम एड्रेस रिटर्न करते बाय रेफरेंस होता तो रेफरेंस रिटर्न करते बट यहाँ पे वैल्यू है तो वैल्यू आपकी उस फंक्शन के लिए लोकल रहेगी मेन के लिए ये वैल्यूज लोकल रहेगी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो वैल्यूज़ वही रहेगी तो उसने बोला आउट वाई को प्रिंट करो तो वाई की वैल्यू कितनी है टेन तो टेन ही इस केस में वो प्रिंट होगी दिस इज ऑल अबाउट दी कोक्यूब्स ट्वेंटी 2020 क्वेश्चन टोटल फाइव क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो थैंक यू सो मच